This movie uncoded by Patchy 87. एलिना, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये पल अपने जिंदगी के सबसे बुरे दिन की तरह लग रहे होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, भले ही वो हमारे बीच ना हो, पर याद रखना कि वो हमेशा तुमसे प्यार करती है। तुम्हें समझ आया ना मैंने क्या कहा? हाँ बेटी। हाँ डैडी। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वादा? हाँ पक्का वादा। शिकार को फंसाकर लोग अभी भी गायब हैं। लगातार हत्याएं, बहुत सी खून हो। हम अपने डिपार्टमेंट के हर आदमी को इस काम पे लगा चुके हैं। कर दी है। इस तरह की हत्याएं हमारे शहर में एक आम बात हो गई है। इन हत्याओं के होने से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे शहर में दहशत का माहौल है। गुड मॉर्निंग, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन मिली है। हमलावर अपने शिकार को घरों में या सुनसान जगहों पर घेर कर मारता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जितने लोग गायब हैं उनमें से कोई ना कोई जिंदा जरूर है। 50 से भी ज्यादा लोग अभी तक गायब हैं। उनके परिवार वाले पुलिस से जवाब मांग रहे हैं। पुलिस वालों की खोजबीन जारी है। ये बिल्कुल सही है, लगातार कई खून हो रहे हैं। खूनी बिना किसी सबूत के मौके वारदात से गायब हो जाता है और इसीलिए पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। और साथ ये इतना खतरनाक है कि हर कोई इसका शिकार है, फिर चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बूढ़े या बच्चे। हाल ही में गायब हुआ व्यक्ति खुद एक मुजरिम है जिसका नाम है आकिन ओब्रायन, जिसे 2 बार चोरी के जुर्म में पकड़ा गया है। हाल ही में पुलिस को वो बहुत ही बुरी हालत में मिला। आइए सुनते हैं ब्रायन की बीवी लीजा का इस बारे में क्या कहना है। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज उसे छोड़ दे, उसे जाने दे, प्लीज उसे छोड़ दो। हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, हम उसे जरूर पकड़ेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। हाय, आ रहे हो ना? हाँ नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा जाने मन, बहुत सारा काम पड़ा है ऑफिस में। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए इसके बदले कुछ स्पेशल जरूर करूँगा। किससे बात कर रहे हैं? जल्दी आना। ठीक है, नाराज तो नहीं होना? हाँ बाबा, मैं नाराज नहीं हूँ। पक्का? हाँ। एक बात कहूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी। हाय मिसी। क्या कर रही हो तुम? फिलहाल तो पढ़ रही हूँ, ब्रायन फिर नहीं आ रहा है। गुड, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्टी में ले जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ मैं समझ रही हूँ। खिड़की से बाहर देखना। पांच मिनट में आ रही हूँ। पुलिस ने लोगों से अपील की है।
ये शर्ट अच्छी है ना? शर्ट अच्छी हो या बुरी हो, बस पहनने का तरीका आना चाहिए। हाँ, सभी लड़कियाँ ये कहती हैं, पर ये सच नहीं है। सब कुछ सही होना चाहिए। डूड, पता है मैं एक नई शर्ट लेने वाला था। चुप हो जाओ। सबसे पहले मुझे डूड मत बुलाओ। जब भी तुम किसी लड़की से मिलो तो उसे हाई मत कहो, उसकी तारीफ करो। उससे कहो जूते अच्छे हैं। बात समझ आई? बस खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है? चलो 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 चलो। हाय जॉश। जूते काफी अच्छे हैं। तुम्हारे डैड ने तुम्हें हमारे साथ आने की परमिशन कैसे दी? उन्होंने नहीं दी। मजा आएगा। वैसे वो जगह है कहाँ? बस पहुँचने वाले हैं, और एंट्री के लिए पासवर्ड भी है। और वो क्या है? Nevermore। वाह, ये जगह काफी दिलचस्प लगती है। शायद यही वो जगह है। शायद हमें इसे पासवर्ड बताना है। उसे पासवर्ड बताओ। यही रुको। Thank you.
हटो, हटो, अरे हटो, ओह, नहीं 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 नहीं, अच्छा रुक जा, मदद करो, मेरी मदद करो, छोड़ो, रुक जा, मेरी मदद करो, हटो, ब्रायन चलो यहां से निकलते चलो यहां से चलो, चलो जल्दी बचा क्या मैं क्या होगा क्या होगा हम कैसे निकलेंगे अरे चलो ये क्या हमको बाहर निकलो बाहर निकलो जल्दी कोई पता नहीं बाहर निकालो तो क्या हाल है इसका इसकी हालत बहुत खराब है शांत रहो मेरी बीवी का है शांत रहो बस मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है जल्दी से मुझे 20 मिलीग्राम मॉर्फिन दो तुम्हें बस शांत रहना क्या नाम है तुम्हारा इसके दाहिने हाथ पे कई सारी खरोचें हैं शायद आत्महत्या की कोशिश आराम से शांत शांत इंजेक्शन लाओ हो गया बस सबर करो अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ जाओ पकड़ो इसका हाथ पकड़ो जल्दी करो तुम अंदर कैसे आ गए हटो हमें गिरफ्तार करना है बाहर जाओ हमें अपना नाम लिख लो एक मिनट आराम से बताओ क्या बात है Thank you.
मुझे लगा कहीं तुम्हें खो ना दूं। तुम्हारी किस्मत खराब है। ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें फूल लाने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं लाई। किसने भेजा? इस पर कलेक्शन लिखा है। जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात है? हुआ क्या है बताओ, बोलो। मेरी बात सुनो, अपनी माँ के घर चली जाओ। नहीं। तुम्हें जाना होगा। नहीं। किसी को भी मत बताना और सामान मत ले जाना। नहीं प्लीज। जाओ। ठीक है। ख्याल रखना। जाओ आराम कर लो, सुबह मिलते हैं। हेलो आकिन। जो मैं जानता था मैं सब बता चुका हूं। मैं पुलिस वाला नहीं हूं। तो कौन हो तुम? मेरा नाम लुसेलो है। ये तुम क्या कर रहे हो? घबराओ मत, तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं एक आदमी के लिए काम कर रहा हूं जिसकी बेटी गायब है। तुमने इसे पार्टी में देखा? हाँ। क्या ये जिंदा है? हाँ उस वक्त तो थी। क्या उसे ले गया? अगर लाश नहीं मिली तो हो सकता है वो लाश नहीं छोड़ता। इसका नाम एलिना है। मेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इसे बचाने के लिए। मेरे ख्याल से तुम जानते होगे इस आदमी तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम उस दरिंदे को ढूंढ पाओगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे लोगों को ढूंढ चुका हूं। मेरे पास पूरी टीम है, हम उसे ढूंढेंगे और फिर मार डालेंगे। प्लान क्या है? ये हमें वहां पहुंचाएगा जहां एलिना कैद है। पुलिस का क्या कहना है? वो अपना काम कर चुके हैं। इस मामले को संभालना उनके बस की बात नहीं है। वो मेरा इकलौता सहारा है, उसे तुम ढूंढो। सर आप चिंता मत कीजिए, उम्मीद है मैं उसे शाम तक घर ले आऊंगा। शुक्रिया लुसेलो। डरो मत। कौन है? कौन है वहां? जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो मुझे। क्या करो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं,
आज रात हम एलिना को छुड़ाएंगे और ये आदमी आर्केन ओब्रायन सिर्फ इसके जरिए हम एलिना को छुड़ा सकते हैं। एक बात अच्छी तरह जान लो, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा पर अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमें मंजूर है, तुम्हें यह करना है कि सिर्फ हमें वहां तक पहुंचाना है, बाकी हम देख लेंगे। अब हमें बताओ जो तुम जानते हो। अगर इसे पकड़ना है तो मेरी पूरी कहानी सुनो। जब उसने मुझे लाल बक्से में फेंका सौ की गिनती पूरी होते ही मैं अपने बाजू पर निशान बनाता गया। दाएं या बाएं मुड़ने पर मैं ऐसा निशान बनाता गया। 5 मील तक इसी रफ्तार पे चलते रहो, हर सिग्नल पे रुकना, गलती से भी कोई सिग्नल तोड़ना मत। मेरी बात मानो और मैं तुम्हें सीधा उस तक पहुंचा दूंगा। दाएं मुड़ो। पूरी तैयारी के साथ चलना होगा, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मौत के लिए तरसोगे। बाएं मुड़ो। उसके घर में घुसना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो वो तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। पहुंच गए। ये होटल सालों से बंद पड़ा हुआ है। यही है वो जगह। अंदर घुसने में हमारी मदद करोगे? लेकिन उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। कोई है?
ये खतरों से भरी भूल भुलैया है, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे। ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारी ऐसी कोई डील नहीं थी। डील यही थी आकिन, लड़की को तुम ढूंढोगे और उस आदमी को मैं मारूंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं जानता हूं वो कहां है? हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही वो आदमी हो जो इस होटल से जिंदा वापस लौट आया है। चलो अंदर। मरेगा साले। यहीं रुको और हमले के लिए तैयार रहो। शायद वहां अंदर कोई है। भूल जाओ, उस बंदूक को नीचे करो, मैं अंदर नहीं जाने वाला। तुम पहले भी अंदर जा चुके हो, इसलिए तुम्हें फिर से जाना है। मुझे अपने बचाव के लिए कम से कम कुछ तो दो। ये कोई मजाक है? नहीं, लेन। क्या चीज है? तुम ठीक तो हो ना? इसके जुबान को काट दिया गया है, इसकी आंखें पूरी तरह से सिकुड़ गई हैं। ये तो एक जिंदा लाश की तरह है। अगर उसकी बात नहीं मानी और जरा भी होशियारी दिखाई तो वो जिस्म से खाल उधेड़ देता है। मुझे तो ज़ॉम्बी लगता है। ये ज़ॉम्बी नहीं है, एक इंसान है जिसकी यह हालत कर दी गई। एक इंसान को जानवर बनाने के लिए यहां काफी ड्रग्स है। अरे बाप रे, आखिर ये सब है क्या? ओके, ध्यान से सुनो, अब हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। ओहो, ये क्या है? ये
निकलो यहाँ से, इस तरफ आओ। आ साले। अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो। अंदर बनकर यह क्या पागलपन है? तू साले, इस सब की वजह तू है। आज तुझे यहीं गाड़ दूंगा मैं। खामोश रहो। यहां हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, लगता है यहां पे जैमर्स लगे हुए हैं। पुलिस वाले फायरिंग सुनकर यहां जरूर आएंगे। हम जिस जगह पर है वो जगह जमीन से 10 फीट नीचे है। यहां से शेर की दहाड़ भी ऊपर नहीं जा सकती, तो हमारी बात कौन सुनेगा? हमें आगे बढ़ना होगा। सब साथ रहना। मुझे सुनाई दे रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो प्लीज। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। ठीक है। तुम कौन हो? तुम बाहर कैसे आई? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? उसने नहीं छोड़ा, मैं खुद निकली हूं। उसने मेरा ये हाल कर दिया। मैं अलीना, तुम्हारा नाम क्या है? एपी। क्या तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता पता है? ओ नहीं नहीं नहीं, हम यहां से नहीं निकल सकते। नहीं नहीं नहीं, सुनो, वो हमें ढूंढ लेगा। हम यहां से निकल सकते हैं, चलो यहां से, चलो चलो। पैरों के निशान पर किसके? Hey, hands up! वहीं रुक जाओ। Please, मेरी बात सुना। कौन है मैं तू? वहीं रुक जाओ वरना गोली भेजे मैं उतार दूंगा। मेरी मदद करो, मैं नहीं कर पाया। तुम क्या नहीं कर पाए? जो वो चाहता था। और अब तुम सब मरोगे। नीचे झुक जाओ। आर्किन कहाँ है? आर्किन, आर्किन,
तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया। हमें सिर्फ बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, वो मुझे पसंद करता है। क्या क्या कहा तुमने? वो तुम्हें क्या? आह, आह, तुम यहां से नहीं निकल पाओगी। क्या? तुम्हें सुनने में तकलीफ है, वो तुम्हें यहां से नहीं निकलने देगा। तुम यहां पे रह जाओगी, वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगा। चिल्लाना बंद करो, पागल हो? वो तुम्हें सुन नहीं भाग पाओगे, मैं भी मर जाऊंगी।
मदद करो प्लीज, मदद करो। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये धोखेबाज है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे भरोसा मत करो। देखा ना, इसने हम सबकी जान को खतरे में डाल दिया। चलो चलो जल्दी बांधो इसे। जल्दी करो, जल्दी बांधो इसे। चलो 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 जल्दी करो, इसके हाथ अच्छे से बांध दो, यहां से भागने ना पाए। हटाओ, पकड़ो इसे, हाथ पकड़ो। वो हम सबको एक एक करके मार रहा है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना वो हमें चीर के अपनी दीवार पर टांग देगा। एक दूसरे का साथ देंगे तभी यहाँ से निकल पाएंगे। मैं एलिना के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर अब तक एलिना नहीं मिली है तो समझ लो कि वो मर चुकी है। मैंने उसे बचपन से बड़ा होने तक देखा है, मैं वादा कर चुका हूँ। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। वो मुझे यहां से बाहर निकाल रही थी। उस तरफ तुम्हें यकीन है?
रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ। ये एलिना की आवाज नहीं है, पैस की है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? वो हमें चकमा दे रहा था कि हम एलिना से दूर हो जाएं। तुम पैस को मरने दोगे? मेरा लक्ष्य एलिना को बचाना। भाड़ में गया तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही, हमें उसकी मदद करनी होगी। इसके साथ रहना, सुना मैंने क्या कहा? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मेरी तरफ देखो, बिल्कुल मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें चलना चाहिए, चलो आ जाओ। शायद मुझे रास्ता पता है। चलो चले आ जाओ। और कितनी गोलियां बची हैं? दो। वो गन मुझे दो। नहीं दे सकता, हम लोग दूसरी मंजिल पर हैं और हम लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। हम लोग सीढ़ियों से नीचे नहीं जा पाएंगे। इस वक्त तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। गन मुझे दो। अगर धोखा ही देना होता तो मैं तुम्हें बचाता ही नहीं। मुझे छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। यकीन करो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं अगर वो गन तुम मुझे दोगे। क्या
क्या तुमने किसी को गोली मारी? ऐसा करने से ही हम बच सकते हैं। सॉरी दोस्त, अब वो पुलिस वालों को यहां लेकर आएगा। क्या दिमाग है? अब उन्हें पता चलेगा कि हम कहां हैं। अब बस इंतजार करना है। वो सब चौकन्ने हो गए हैं और जल्द ही अंदर आने वाले हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। हे, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था वो मुझे पसंद करता है। मैंने कहा था ना ये पागल है। आ जाओ, जल्दी आओ, मैंने इन सबको कैद कर लिया। आ जाओ, बंद करो, बंद करो, तुम सब मरने वाले हो। तेरी तो चले चले, नहीं चल सकता। अरे बाप रे, अब जाओ और एलेना को बचाओ। तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। आखिर एलिना को बचाओ। नहीं, जाओ, मैंने कहा जाओ, जाओ, जाओ। ठीक है, ठीक है। धवत, अपने अपने हथियार तैयार रखो। सब तैयार रहना। ये क्या है? मैंने बताना चाहा पर साले कमीने, तू कर क्या रहा है? साले हिम्मत है तो खोले से। पहचाना मुझे? पहचाना ना? हाँ साले, आज तो तुम मरेगा। साले कुत्ते कहीं के, हिम्मत है तो अंदर आ साले नमर्द कायर। आज तो साले चीर के रख दूंगा तुझे। साले अंदर आना, आज दिखाता हूं तेरे को, तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। हाँ अंदर आ साले, हिम्मत है
साले तेरे जैसे पर तो थूकना चाहिए। ये क्या दिखा रहे बे? आना हिम्मत है तो अंदर आ, साथ में खेलते हैं मोटी होली। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को मारने का। अंदर आ। ये क्या कर रहा है? अंदर आ मेरे का। इसे रोको। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो? नहीं रुक जाओ। ये क्या कर रहा है? रुक साले, ऐसा मत करो। किधर जा रहा है? रुक रुक जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें इस दरवाजे को किसी भी तरह खोलना होगा। चाकू कहाँ है? चाकू कहाँ है? लैच, लैच को खींचो। मुझे चाकू दो। खींचो और खोलो उसे। हम इसे नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, हटो हटो, मैं कोशिश करती हूँ। हो गया हो गया हो गया हो गया। दर्द दर्द दर्द। इस दरवाजे को खोलना ही होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर क्या कर रहे हो तुम? मैं चाहता हूं मेरे हाथ पर पाव रखो। तुम्हें मेरा हाथ तोड़ना होगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास वक्त कम है एलिना, जल्दी करो प्लीज। एलिना मैंने कहा करो जल्दी। एलिना हमें 3 फायर ब्रिगेड चाहिए, जल्दी। दांत। हाँ हो गया, बस बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अपना हाथ मुझे दो, लाओ जल्दी दो। तैयार हो? थोड़ा जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलो चलो चलो, ध्यान से ध्यान से। रस्सी पकड़ो और आराम से नीचे जाओ, बिल्कुल घबराना मत एलिना। चले चले, जल्दी चलो। अरे बाप रे, ये सब
मार दो इसे अर्कन, मार दो। अंदर से आवाज आ रही है। उठ साले कायर, उठ, हट साले। देख मेरी तरफ, देख मेरी आंखों में। जल्दी आ जाओ, जल्दी। चीफ, हमें पार्किंग लॉट में कई सारी लाशें मिली हैं और सारी की सारी बहुत बुरे हाल में हैं।
तरह की हत्या हमने 60 के दशक में देखी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी हत्या क्यों और किस लिए की गई? आपको इसके बारे में कुछ याद है? जी देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है उस वक्त मैं इसी इलाके इतने सारे कीड़े कमाल का कलेक्शन था। पिछली बार हम यहां से 200 मील दूर मिले थे। 14 लाइसेंस्ड एंटोमोलॉजिस्ट्स हैं और तुम 12वें नंबर पर थे। तुम्हारे डैड का एक म्यूजियम था, है ना? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। घूम जाओ। तुमने सुना नहीं? क्या तुम मुझे मारने आए हो? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें वो सब महसूस कराऊंगा जो मैंने महसूस किया, और फिर तुम्हें मारूंगा ताकि दोबारा किसी को मारने से पहले Mar! This movie uncoded by 1987. Here, let me have a go at it.